अनाज के भंडारण में अगर घुन लग जाए तो वह पूरे अनाज को खराब कर देता है। तो अपने अनाज को सुरक्षित कैसे रखें, इसके आज मैं घरेलू एवं केमिकल तरीका बताने जा रहा हूं, उसे आप अपने भंडारण में प्रयोग करके अपने गेहूं को सुरक्षित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है विक्रम तोमर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसल समाधान। जैसा कि किसान भाई कटाई के बाद भंडारण करने के लिए अनाज को लंबे समय के लिए रख देते हैं, उसे खाने के प्रयोग या बाद में बेचने के प्रयोग में लाते हैं, लेकिन घुन की इतनी समस्या बढ़ जाती है कि वो पूरे अनाज को ख़राब कर देता है। तो किसान भाइयों, आज मैं ऐसे दो घरेलू एवं केमिकल नुस्खा बताने जा रहा हूँ प्रयोग करके अपने गेहूँ जौ मक्का के भंडारण को घुन से बचा सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं जौ गेहूं मक्का को घुन से बचाने के लिए घरेलू उपचार क्या करें, उपाय क्या करें। अगर आप गेहूं जौ मक्का या किसी भी फसल का भंडारण करते हैं तो आप भंडारण के अनाज में आपको लेना है नीम की गीली पत्तियां, उसके साथ आपको पुदीने की हरी पत्तियां लेनी है और उसे सूती कपड़े में बांध लेना है और जिस जगह भंडारण है उसमें आपको लगा देनी है। जी हाँ किसान भाइयों, यह एक अच्छा देसी घरेलू उपाय है, आप इसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो लगभग एक साल के समथिंग आपका गेहूं घुन से ख़राब नहीं होगा। यह एक शर्तिया इलाज है, आप इसको कर सकते हैं। अगर हम दूसरे केमिकल उपचार की बात करें तो आप UPL का एक केमिकल आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यह UPL कंपनी का इंसेक्टिसाइड है। यह घुन के साथ साथ जो अनाज को और भी कीट नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी यह कंट्रोल करता है। यह पैकेट 10 ग्राम का आता है जो क्यूक फॉस के नाम से आता है। किसान भाइयों, कंपनी देख कर लें, यह UPL कंपनी का आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं 10 ग्राम का पैकेट कितने रुपये का आपको बाज़ार में मिल जाएगा। किसान भाइयों, यह 10 ग्राम का पैकेट आपको बाज़ार से 15 से 20 रुपए के समथिंग आपको मिल जाएगा। अगर इसमें साल्ट की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम फास्फोराइट होता है जो घुन के लिए बेहतर इलाज है। इसे लगाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। किसान भाइयों, एक और ध्यान देने वाली बात है, किसान भाइयों, क्योंकि फॉस एक जहर है, इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें। अगर आप इस अनाज का प्रयोग खाने में कर रहे हैं तो उसे पहले धोएं, उसके बाद सुखाएं, उसके बाद आप इस अनाज को खाएं। तो किसान भाइयों, अंतिम में मैं यही कहूँगा, अगर आप गेहूँ जौ मक्का का भंडारण कर रहे हैं और उस भंडारण को घुन से बचाना चाहते हैं तो आप या तो देसी उपाय कर सकते हैं या इस केमिकल का प्रयोग करके अपने गेहूँ के भंडारण को बचा सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे फसल समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय किसान।